दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना जो कि अब से कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, अब इस योजना का जो बेनिफिट है लोगों को मिलना स्टार्ट हो चुका है। इस योजना के अंदर अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। इस योजना के अंदर आप सभी को सरकार की तरफ से 15,000 रुपये टूल किट के लिए दिए जाते हैं। इसी के साथ में जितने दिन भी आपकी ट्रेनिंग चलती है उसके भी आप सभी को पैसे मिलते हैं। अभी आप देखोगे कि कई सारी जगहों पर पीएम विश्वकर्मा योजना की जो ट्रेनिंग है वो भी चलने लगी है, और ट्रेनिंग को कम्प्लीट करने के बाद में आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। साथ में आप सभी को 2,00,000 रुपए तक का गवर्नमेंट की तरफ से लोन भी दिया जाता है आपको अपना स्टार्टअप करने के लिए। एक आपको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है। साथ में इस योजना के अंदर जब आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आप सभी को 2,00,000 रुपए तक का बिना किसी गारंटी के गवर्नमेंट की तरफ से लोन भी दिया जाता है, जो कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो अभी आप देखोगे कि ये तस्वीर है एक सेंटर की, जहां पर पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जो ट्रेनिंग है दो तरीके से होती है योजना के अंदर, उसका पैसा आपको मिलता है। पहली जो ट्रेनिंग है मैं आपको वेबसाइट पर ही दिखा देता हूं। तो अभी हमने पीएम विश्वकर्मा योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmvishwakarma.gov.in इसी को ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर स्कीम बेनिफिट की टैब पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इस योजना के अंदर आपको दो तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कि पहली जो ट्रेनिंग है वो 40 घंटे की होती है, और ये जो ट्रेनिंग है आपकी 5 से 7 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ में अगर आप इससे एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो, अगर आप चाहो तो यहीं पर अपनी जो ट्रेनिंग है वो स्किप कर सकते हो, आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके बाद में भी ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसके बाद में 15 डेज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप सभी को एडवांस लेवल सीखने को मिलेगा, जो भी आपकी स्किल है उसको और भी इन्हेंस करने के लिए। अब यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया है कि जितने भी दिन आपकी ट्रेनिंग चलती है यहाँ पर आपको ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता है। 500 रुपये पर डे गवर्नमेंट की तरफ से आपको ट्रेनिंग के दौरान दिए जाते हैं, जो कि अगर आप ये जो ट्रेनिंग है ज्वाइन करते हो 5 से 7 दिन जो चलती है, तो हम अगर मान ले 7 दिन आपकी ट्रेनिंग चलती है, 500 × 7 कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको 3,500 रुपीज़ ये मिल जाते हैं अगर आप 7 डेज की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करते हो। इसी के साथ में अगर आप आगे भी ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो, जो कि आप पे डिपेंड करता है आप आगे की जो ट्रेनिंग है लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, तो 15 डेज की अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 500 रुपये से, तो यहाँ पर आप सभी को ट्रेनिंग सपोर्ट मिल जाता है 7,500 रुपीज़ का। अब यहाँ पर ये जो 7,500 रुपीज़ मिलेंगे आपको ट्रेनिंग की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं, बाकी ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट करोगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आप कहीं पर भी जब जॉब के लिए जा रहे हो तो वो अपना जो सर्टिफिकेट है आप यूज कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पर आप देखोगे कि 15,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट दिया जाता है, जो कि आपकी जो भी स्किल है जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसके लिए आप टूल खरीद सकते हो। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि किस किस कैटेगरी के लोग इस योजना के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से लगभग जितने भी ऑक्यूपेशन हैं जोड़े गए हैं जो कि MSME कैटेगरीज के अंदर आते हैं, वो मैं आपको लिस्ट पूरी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप सभी को ये 15,000 रुपये का बेनिफिट मिल जाता है जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, टूल किट का जो पैसा है आपको जब गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाता है, उसके बाद में आप सभी को अगर स्टार्टअप करना है, अपना खुद का कोई बिजनेस करना है, तो यहाँ पर आप बिना कोई कोलेटरल के, यानी कि कोई बिना गारंटी दिए हुए बैंक से आप लोन ले सकते हो। ये काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी इस योजना के अंदर, क्योंकि जिस कैटेगरी के लोगों को यहाँ पर लोन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, बैंक उनको लोन देने से अक्सर मना कर देता है, बहुत सारे बैंक उन लोगों को लोन देते ही नहीं थे, तो यहाँ पर इस योजना के अंदर वो जो है लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो 1,00,000 रुपया वो फर्स्ट टाइम में रेज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम 1,00,000 रुपए मिलेगा, जिसको आपको 18 मंथ की जो इंस्टॉलमेंट होंगी, यानी कि जैसे आप EMI का पेमेंट करते हो वैसे ही इसका पेमेंट करना होगा। अब यहां पर ये जो पेमेंट है फर्स्ट टाइम आप कर देते हो तो सेकंड टाइम पे आपको 2,00,000 रुपए मिलेंगे, जो कि आपको 30 मंथ के अंदर रिपेमेंट करना होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि आपको बैंक को कोई भी गारंटी देने की ज़रूरत नहीं होगी, और यहाँ पर आपको जो लोन मिलता है
वो भी काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। वैसे अगर आप बैंक जाओगे बिना गारंटी, अगर आप कोई भी लोन लेते हो तो जैसे कि पर्सनल लोन आपको 12-13% पर आपको बैंक देता है, लेकिन यहाँ पर इस योजना के अंदर आप देखोगे कि इस योजना के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो केवल 5% बेनिफिशियरी को लगाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी बैंक या फिर NBFCs ऐसी नहीं है जहाँ पर आप डायरेक्ट अगर जाओ तो इतना सस्ता आपको लोन मिल जाए। अब बैंक ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट इतना सस्ता लोन दे रहा है। यहाँ पर देखोगे कि ये जो MSME डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, यहाँ पर बाकी का जो इंटरेस्ट है 8% का वो खुद से पे करने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी को काफ़ी सस्ता इंटरेस्ट मिल जाता है। बाकी यहाँ पर कुछ और भी एडिशनल बेनिफिट बताए गए हैं जो कि उतना खास नहीं है, जैसे कि डिजिटल अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर भी आपको इंसेंटिव मिलता है। तो यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब अगर आप इस योजना के अंदर बेनिफिट लेना चाहो तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसका जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है पोर्टल पर दिया गया है, यहाँ पर आप देखोगे कि हाउ टू रजिस्टर के बगल में ही लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करके आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे लोग इस पोर्टल पर कर सकते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर अबाउट स्कीम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी ट्रेड का एक ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने एलिजिबल ट्रेड का एक पेज आ जाता है, जहाँ पर कई सारे ऑक्यूपेशन हैं, जो बिजनेसेस हैं जो इस योजना के अंदर कवर किए जा सकते हैं, उनके जो नेम है यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि कोई भी कारपेंटर है या फिर कोई भी सुनार है, यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है। इसी के साथ में स्टोन का काम करने वाले, बंदूक बनाने वाले, हैमर का काम करने वाले, लोहार, इसके अलावा आप देखोगे कुम्हार हो गया, कोई भी आर्टिस्ट है जो किसी भी तरीके का काम करता है, जैसे कि कई सारे अन्य कैटेगरीज भी यहाँ पर दी गई हैं, कोई भी टॉयज बनाने वाला है या फिर बार्बर हो गया, नाई हो गया, इसके अलावा वॉचमैन जैसे कि धोबी, टेलर, दर्जी, फिश पकड़ने वाले लोग, तो इस तरीके के कई सारे ऑक्यूपेशन दिए गए हैं। इसके अलावा देखोगे कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के कई सारी कैटेगरीज दी गई हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो कई सारी उन कैटेगरीज को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। लगभग जितने लोगों का ई श्रम कार्ड बनाया जाता है उन सभी लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पर आप जब आओगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो सबसे पहले तो लॉगिन का यहाँ पर टैब दिया गया है, जैसे आप क्लिक करोगे तो कई सारे यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि CSC लॉगिन, इसी के साथ में एडमिन लॉगिन या फिर ग्राम पंचायत प्रधान लॉगिन या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लॉगिन यहाँ पर दिए गए हैं। तो जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, जैसे कि हम यहाँ पर CSC लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर हम इस पोर्टल पर चाहें तो अपना ई श्रम कार्ड का जो डेटा है उसको फेच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी के साथ में CSC रजिस्टर आर्टिस्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि अगर आपका ई श्रम कार्ड बना है या फिर अगर आपका नहीं भी बना हुआ है तब भी आप अपना यहाँ पर आकर के अगर इस कैटेगरी में आप वर्क करते हो तो अपना जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर कर सकते हो। इसी के साथ में यहाँ पर अभी रिसेंटली ग्राम पंचायत लॉगिन का भी ऑप्शन दे दिया गया है, जिसमें कि ग्राम प्रधान अगर कोई भी है जिसको अभी अवेयरनेस नहीं है तो उन लोगों को यहाँ पर आ करके रजिस्टर करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब भी कोई भी यहाँ पर व्यक्ति रजिस्टर करता है तो अगर वो शहरी क्षेत्र से है तो उसको सबसे पहले अर्बन लोकल बॉडी जो होती है, नगर निकाय जो होती है, उसको वेरीफाई करती है। अगर वही व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसका जो ग्राम प्रधान होता है सबसे पहले तो वो इनको वेरीफाई करता है, उसके बाद ही उसका जो इनरोलमेंट वो सक्सेसफुली हो पाता है। तो यहाँ पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है CSC लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने CSC का जो पोर्टल है वो आ जाएगा, जिसका जो लिंक है डायरेक्टली मैंने दे रखा। अगर आपको रजिस्टर करना है तो यहाँ पर आकर के कर सकते हो। अब अगर आपके पास में CSC ID नहीं है तो आप अपने आसपास में सर्च करोगे या गूगल पे आप सर्च करोगे CSC सेंटर नियर मी, तो बहुत सारे CSC सेंटर आपको दिख जाएंगे जहाँ पर जा करके ये जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हो, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों के पास में बायोमेट्रिक नहीं होगी, इसलिए आपको ये जरूरी है किसी सेंटर पर जाकर के अगर आप एक एंड यूजर हो तो रजिस्ट्रेशन करा लो। बाकी अगर आपको प्रोसेस पूरा देखना है कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका जो लिंक है वो दे दूंगा, जहां पर पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे हमारा जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाई होगा, ये जो बेनिफिट जो भी मैंने आपको बताए हैं वो कैसे हमें मिलेंगे और इसकी जो ट्रेनिंग है वो कब होगी, कहाँ होगी, ये सारी चीजें आप सभी को जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद में आप सभी को इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से आपके फोन पर इसी के साथ में SMS के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग
पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर जो गवर्नमेंट के तरफ से बेनिफिट दिए जा रहे हैं उनका जो लाभ है आप ले सकते हो। अब आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, और ये जो वीडियो है आप अपने अन्य फ्रेंड और फैमिली में भी ज़रूर शेयर करना जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैले और लोग इस योजना का जो बेनिफिट है वो ले पाएँ। और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।